हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आईएस कर्व को। अब हम डिस्कस करेंगे एलएम कर्व को। एलएम कर्व मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करता है। एलएम कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है रियल जीडीपी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जो कॉरस्पॉन्ड करते हैं डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी की इक्वेलिटी से। इट मीन्स कि एलएम कर्व के सभी पॉइंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल जीडीपी के कॉम्बिनेशंस दर्शाते हैं, और उन सभी पॉइंट्स पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होते हैं। मतलब मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। अगर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हैं तो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम है। अब हम बात करेंगे डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशनशिप है। डिमांड फॉर मनी से यहाँ पे हमारा मतलब है डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस। रियल बैलेंसेस क्या होते हैं? रियल बैलेंसेस रेफर्स टू मनी बैलेंस और नॉमिनल बैलेंस एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। ऐसे मनी बैलेंसेस जो एडजस्टेड हैं प्राइस लेवल से। इट मीन्स डिमांड फॉर रियल बैलेंस का मतलब समझ लीजिए कि जो मनी लोग अपने पास रखना चाहते हैं, अगर प्राइस डबल हो जाता है तो लोग पहले से दुगना पैसा अपने पास रखेंगे, इसलिए हम उसको कह रहे हैं रियल बैलेंस, क्योंकि वो एडजस्टेड है प्राइस लेवल से। अब अगर ये बात करें कि रियल बैलेंस इन द इकोनॉमी किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ जीडीपी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेवल ऑफ जीडीपी के साथ रियल बैलेंसेस की डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। हायर लेवल ऑफ जीडीपी इंप्लाइज हायर डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस। जैसे जैसे जीडीपी लेवल बढ़ता है डिमांड फॉर मनी बढ़ती है। और दूसरा रिलेशनशिप देखना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है मनी होल्ड करने की। या तो मनी को हम होल्ड कर सकते हैं, या उससे बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, उसको उधार दे सकते हैं और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। अगर मनी को होल्ड कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मनी होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोग कम डिमांड करते हैं रियल बैलेंसेस की। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो मनी डिमांड कम होगी, डिमांड फॉर मनी कम होगी। हायर आर इम्प्लाइज हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश बैलेंसेस, इम्प्लाइंग डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस शुड बी इनवर्सली रिलेटेड टू आर फॉर अ गिवन लेवल ऑफ जीडीपी। जब जीडीपी का लेवल गिवन है तो डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये देखें, हायर आर इम्प्लाइज लोअर डिमांड फॉर मनी। एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड फॉर मनी या डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस लिया है। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी का इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ ये L1 हमारा डिमांड मनी डिमांड को शो कर रहा है, या इसको कहेंगे डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग अपने पास कम रखेंगे, बॉन्ड्स ज़्यादा खरीदेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे रियल बैलेंसेस की। ये कब है? जब जीडीपी हमें गिवन है, कोई जीडीपी का लेवल गिवन है। अब अगर इसमें शिफ्ट की बात करनी है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। व्हेन आर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट देयर इज एन इंक्रीज इन जीडीपी लाइन L1 शिफ्ट टू द राइट एज L2। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है और जीडीपी का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ये L1 से शिफ्ट होके L2 हो जाएगा, डिमांड फॉर मनी। अब इससे जो मीनिंग निकल रहा है वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मीनिंग है कि डिमांड फॉर मनी एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ जीडीपी दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, इम्प्लाइंग
a rise in demand for money and corresponding to a given level of R. इसका क्या मीनिंग है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रह रहा है और जब जीडीपी इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, तो जो डिमांड फॉर मनी है वो राइज करती है. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है, लेवल ऑफ जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो रही है. अब जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें हमने इसी बात का इस्तेमाल किया है, चेंजेस इन रियल जीडीपी अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी. जैसे जैसे रियल जीडीपी चेंज होती है तो डिमांड फॉर मनी उससे पॉजिटिवली रिलेटेड है, वो भी चेंज होती है. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी चेंज ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट. जीडीपी में चेंज का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात हमने समझ ली कि जीडीपी में चेंज होने से डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी मीट करते हैं, इक्वल होते हैं, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है. अगर हम इनिशियल इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे L1 हमारा क्या शो करता है, डिमांड फॉर मनी, और ये MQ हमारी है सप्लाई ऑफ मनी. ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी कौन डिटरमाइन करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी. एग्जोजीनियसली डिटरमाइंड है, मॉनेटरी अथॉरिटी इसको डिटरमाइन करती हैं, तो इसलिए ये फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है. और डिमांड फॉर मनी हमारी, अगर कोई जीडीपी लेवल हमें गिवन है तो उसके साथ डिमांड फॉर मनी L1 है. अब अगर जीडीपी लेवल इंक्रीज हो गया, जीडीपी इंक्रीज हो गया, तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा. इट मींस L1 से L2 राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले डायग्राम में सीखा है कि जब रियल जीडीपी इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज होता है. अब सप्लाई मनी की चेंज नहीं हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या हो जाएगा, R1, OR1, स्टार्टिंग में OR था, क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ी है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ी है. डिमांड फॉर मनी बढ़ी है और अगर मनी की सप्लाई कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाई. और ये इसका वाइस वर्सा है कि अगर जीडीपी लेवल घटा है तो डिमांड फॉर मनी घटेगा, तो L3 हो जाएगा हमारा डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पे एक बात समझने की है इम्पॉर्टेंट, कि जब जीडीपी में चेंज हो रहा है, जीडीपी में चेंज होने की वजह से केवल ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इम्पैक्टेड होती है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होती है. अगर आपने केन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो इस पॉइंट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो इनकम है उससे ट्रांजैक्शन डिमांड प्रभावित होती है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से. और जो स्पेकुलेटिव डिमांड होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होती है. और यहाँ पे जब हम जीडीपी में इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो जो मनी डिमांड बढ़ रही है वो ट्रांजैक्शन मोटिव्स या प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए इंक्रीज हो रही है. अब अगर मनी सप्लाई कॉन्स्टेंट है तो ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड हमारी मनी के लिए बढ़ रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा. अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड पर मनी इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से क्योंकि मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है तो वो मनी कहाँ से आएगा, उसके लिए प्रेशर बनेगा, प्रेशर टू सेल सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड सो दैट कैश बैलेंसेस फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस आर इंक्रीज्ड. उसके लिए प्रेशर बनेगा कि बॉन्ड्स को सेल कर दिया जाए, जो सिक्योरिटी या बॉन्ड्स को सेल कर दिया जाए. अब जब बॉन्ड्स सेल होंगे तो उससे उनका प्राइस फॉल होगा, क्योंकि सप्लाई अधिक हो जाएगी बॉन्ड्स की, तो उनका प्राइस गिरेगा. और बॉन्ड्स के प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो बॉन्ड्स का प्राइस गिरेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा. तो ये रिलेशनशिप्स हैं, आप ये ध्यान से करेंगे. फिर अगली बात हम करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन
different level of R and GDP on the one hand. It means कि हम R rate of interest और GDP के various combinations की बात कर रहे हैं, और वो किसके साथ, equality between L and M. L क्या है हमारा, demand for money, M supply of money. तो वो हमारा क्या होता है, जब हमारा एक तरफ हमें R और GDP के combination प्राप्त होते हैं और दूसरी तरफ L और M में equality होती है, तो हमें LM curve प्राप्त होता है. अब फॉर ईच लेवल ऑफ GDP, यहाँ पे हम बात कैसे करेंगे कि हर एक GDP के लेवल के लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होगा जो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी को इक्वल कर देगा. यहाँ पे देखिए आप, ये कोई लेवल ऑफ GDP है, हमने स्टार्टिंग में लिया था GDP का लेवल. तो हर एक GDP के लेवल के लिए कोई ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हो जाती हैं. इसी प्रकार ये इवन पॉइंट है, ये हायर GDP लेवल को शो कर रहा है और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है. अब इसी फैक्ट की हेल्प से हम डिराइव करेंगे LM कर्व. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी और रियल बैलेंस हमने लिए हैं. L1 हमारा डिमांड पर मनी है एंड M सप्लाई ऑफ मनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे है. इधर हमने रियल GDP और रेट ऑफ इंटरेस्ट का के कॉम्बिनेशन से हम LM कर्व डिराइव करेंगे. कोई पर्टिकुलर इनकम लेवल है वाई, उसके साथ कोई ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि यहाँ पे OR है, जो इक्वल कर देगा मनी डिमांड को और मनी सप्लाई को, ई पॉइंट. इसी प्रकार जब GDP इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा. किस वजह से, क्योंकि जब GDP लेवल इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होती है, सप्लाई ऑफ मनी गिवन है. तो अब हमारा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाई लेवल ऑफ रियल GDP से हमें सी पॉइंट प्राप्त होता है, जिस पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बराबर है. तो ये हमें पता चल गया कि LM कर्व पे एक तो हमें कॉम्बिनेशन मिलते हैं R और GDP के, और दूसरी बात इन कॉम्बिनेशंस पे जो भी पॉइंट्स हैं LM कर्व पे वो क्या शो करते हैं, इन पे मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल है. अब हम वही देखेंगे कि अगर LM के राइट में कोई पॉइंट है या लेफ्ट में कोई पॉइंट है तो उसकी उसका क्या मीनिंग है. अगर राइट में जैसे पॉइंट K है तो वो क्या शो कर रहा है कि मनी डिमांड ज़्यादा है मनी सप्लाई से. देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. इसके राइट में अगर हम देखें, ये पॉइंट देखें, तो इस पॉइंट पे मनी डिमांड ज़्यादा है और मनी सप्लाई कम है. मनी सप्लाई तो ये है हमारी, और इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो मनी डिमांड ज़्यादा है, मनी सप्लाई कम है. और अगर लेफ्ट का पॉइंट है तो वाइस वर्सा. यहाँ पे अगर इधर का कोई पॉइंट हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मनी डिमांड कम है और मनी सप्लाई ज़्यादा है. तो ये हमने LM का यहाँ पे डिराइव कर लिया है. अब उसके बाद हम स्लोप देखेंगे कि स्लोप किन चीज़ों से प्रभावित होता है. स्लोप हमारा LM कर्व का स्लोप दो चीज़ों से प्रभावित होता है. LM कर्व फ्लैटनेस एंड स्टीपनेस ऑफ द LM कर्व डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंजेस इन GDP. मनी डिमांड की सेंसिटिविटी क्या है जब चेंज हो रहे हैं GDP लेवल में, और मनी डिमांड कितनी सेंसिटिव है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं. अब ये देखिए, ड्यू टू गिवन चेंज इन GDP देयर इज मोर प्रोनाउंस्ड चेंज इन मनी डिमांड. अगर GDP में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है, जो पिछले डायग्राम में हमने देखा था, तो उससे क्या होगा, बहुत अगर GDP में अगर कुछ चेंज हो रहा है और वो उसका इम्पैक्ट की वजह से डिमांड फॉर मनी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और LM कर्व कैसा होगा, स्टीपर. इस केस में LM कर्व कैसा होगा, स्टीपर. हमने कहा एक तो डिमांड फॉर मनी पे
जीडीपी के चेंज का प्रभाव पड़ेगा और दूसरा डिमांड फॉर मनी पर इंटरेस्ट रेट का प्रभाव पड़ेगा। इन केस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज लेस। अब यहाँ पे हमारा इनवर्स रिलेशन है, अगर रेस्पॉन्सिवनेस मनी डिमांड की इंटरेस्ट रेट के चेंज के साथ कम है तो हमारा एलएम कर्व स्टीप होगा। अभी हमने दोनों ही पॉइंट स्टीपनेस के लिए किए हैं। LM1 कर्व मनी डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन रियल जीडीपी। अभी यही हमने बात करी है, LM1 के बारे में ही बात की है कि ये ज्यादा स्टीप होगा कब, जब मनी डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है चेंज इन रियल जीडीपी से और कम सेंसिटिव है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और इसके वाइस वर्सा हम LM2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जब जीडीपी से मनी डिमांड प्रभावित हो रही है तो वो मनी डिमांड किस प्रकार की है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो प्रभावित हो रही है वो हमारी मनी डिमांड है स्पेक्युलेटिव डिमांड, क्योंकि स्पेक्युलेटिव डिमांड ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। अब शिफ्ट की बात करेंगे, एलएम कर्व में शिफ्ट कैसे हो सकता है, या तो हमने क्योंकि प्राइस लेवल और मनी सप्लाई को कांस्टेंट अज्यूम किया है, यहाँ पे हम प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं और मनी सप्लाई अगर इनमें से किसी को भी चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से एलएम कर्व में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई का डायग्राम है, ये हमारी मनी डिमांड है। एल कर्व हमारा क्या शो करता है, मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी कुछ भी कह सकते हैं इसको, और ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी है। ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है तो ये हमने देख लिया, ये ई स्टार है। और इसके साथ ये जो मनी डिमांड है ये OY GDP लेवल पर डिमांड है। ये L कर्व जो शो कर रहा है वो किससे रिलेटेड होता है, GDP लेवल से। अब अगर GDP में कोई चेंज नहीं हो रहा है और मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और उसी GDP पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो ये जो पॉइंट हमें प्राप्त होगा वो LM1 के राइट की तरफ होगा, LM2। ये हमारा शिफ्ट का पॉइंट था। अब हम देखते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट। ये जो भी हमने IS कर्व डिराइव किया है, LM कर्व डिराइव किया है, किसके लिए किया है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के लिए। अब जो हमें ये हमारा एक्स एक्सिस पर रियल जीडीपी है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, IS कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, इस ये ई पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, तो इट मींस ई पॉइंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी लेवल डिटरमाइन हो रहा है उस पॉइंट पर मनी मार्केट में भी इक्विलिब्रियम है और प्रोडक्ट मार्केट में भी इक्विलिब्रियम है। प्रोडक्ट मार्केट IS कर्व के लिए और LM कर्व मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो ई पॉइंट पर दोनों प्रकार की मार्केट्स में इक्विलिब्रियम है, तो ये हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।